बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर दे रहे आपको पाकिस्तान से। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा है कि पाकिस्तान में डेटा नेटवर्क की स्लो या मुकम्मल तौर पर बंद होने की तहकीकात की जा रही है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि क्यों मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेटा नेटवर्क बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, या जहां पर काम कर भी रहे तो इतनी स्लो ब्राउजिंग है कि वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अक्सर शहरों का दुनिया के दूसरे ममालिक से रबता मुनक़ता हो गया है और बाहर के ममालिक में रहने वाले लोगों को शदीद तशवीश लाहक हो गई है कि पाकिस्तान में क्या हो गया है कि डेटा नेटवर्क मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर रहा है। दूसरी जानब PTCL के फाइबर ऑप्टिक में भी ख़राबी आई है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाक़ों में PTCL का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है। तो इस वजह से लोगों की तशवीश बहुत बढ़ गई है कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा हुआ है क्या। लेकिन PTA ने कहा है कि अभी तक इस मसले की तकनीकी बुनियादों पर हल निकाला जा रहा है और मसले की निशानदेही की जा रही है कि असल में मसला है किधर। अभी तक ये नहीं बता सके कि ये मसला किधर से है। इनने मजीद बताया कि जैसे ही नई अपडेट्स आएगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल तकनीकी खराबी की कोई वजह मालूम नहीं हो सकी कि पाकिस्तान में आखिर नेटवर्क इतना पेल क्यों है। ख़ास तौर पर डेटा नेटवर्क मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ शहरों में मुकम्मल तौर पर डाउन है और जिस इलाकों में काम कर भी रहे तो इतनी स्लो ब्राउजिंग है कि वो ना होने के बराबर है।